अब मजा आएगा मेरे भांजे, मेरे मॉन्स्टर हल्क भांजे, तुम अपने बाप का और अपने भाई का और बाकी अपने साथियों का बदला जरूर लोगे। आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिनों से तुम घोर तपस्या कर रहे हो इस माउंट चिलियाड के पहाड़ के ऊपर, बिना कुछ खाए पिए, बिना हिले डुले तुम तपस्या करे जा रहे हो। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, सुबह होते ही तुम्हारा पूरे 10 दिन हो जाएगा इस घोर तपस्या करते हुए। पूरे 10 दिनों में तुम्हारा ये तपस्या पूरा हो जाएगा और इसका तुम्हें फल मिलेगा। मेरे भांजे, तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और उस लिटिल सिंघम से अपने बाप का और भाई का बदला ले पाओगे। बहुत ही बुरी तरीके से उस लिटिल सिंघम ने तुम्हारे भाई को और तुम्हारे बाप को मारा था, उसका बदला लेना है। और इस पृथ्वी में एक एक इंसान को चींटी के जैसे मसल देना है। यह तपस्या पूरा होते ही तुम्हें बहुत सारा अपार शक्तियाँ मिलेगा मेरे भांजे। बस सुबह हो जाए, पूरा का पूरा शक्तियाँ तुम्हारे अंदर समा जाएगी और तुम बहुत ज़्यादा बहुत शक्तिशाली मॉन्स्टर हल्क बन जाओगे। बस सुबह होने वाला है, हा। और सुबह हो गया मेरे भांजे, उठ जाओ, तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ। पूरे 10 दिन हो चुके हैं, बिना कुछ खाए पिए तुम तपस्या कर रहे हो। अब टाइम आ गया है इस पृथ्वी के से एक एक इंसान का नाम निशान मिटाने का। जागो मेरे बच्चे। आज पूरा हो चुका है मेरा तपस्या और मुझे ऐसा लग रहा है मामा जी, मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ समा गई है। उस लिटिल सिंघम ने मेरे भाई और मेरे पाप को और मेरे बाकी मॉन्स्टर हल्क साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से मौत की नींद सुला दी, मार डाला। बस मैं जैसे तैसे बचकर भाग आया। पूरे 10 दिनों से मैं इस माउंट चिलियाड के पहाड़ में तपस्या कर रहा हूँ। उस लिटिल सिंघम को, उस शिवा को, उस कीको को, सिंचान को, किसी को नहीं छोड़ूंगा मामा जी। मैं जा रहा हूँ अपने पाप का, भाइयों का और अपने साथियों का बदला लेने के लिए। बहुत सारी शक्तियाँ मेरे अंदर समा चुकी है। अब वो लिटिल सिंघम बचेगा नहीं, किसी को बख्शूंगा नहीं। एक एक इंसान को चींटियों के जैसा सर डालूंगा। दूसरे प्लैनेट से आया था मैं इस धरती में कब्जा करने के लिए, पर वो लिटिल सिंघम ने तो मेरे पाप को और भाइयों को ही मार डाला। अब वो बचेगा नहीं, सारे इंसान को मार डालूंगा। इस पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दूंगा, वातावरण खराब कर दूंगा। अब देखो मामा जी, पूरा पृथ्वी का मैंने वातावरण को पूरा बिगाड़ दिया है। अब इंसान इसमें ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे और गर्मी के वजह से छटपटा कर मर जाएंगे। एक एक इंसान मर जाएगा। मैं जा रहा हूँ मामा जी उस लिटिल सिंघम से बदला लेने के लिए, आप यहाँ पे मेरा इंतजार करना। ठीक है मेरे बच्चे, जल्दी आना मेरे पास। अब छोड़ूंगा नहीं उस लिटिल सिंघम को। अब देखो कैसे इस पृथ्वी का एक एक इंसान तड़प तड़प कर मरता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये कौन है? पुलिस। कोई फायदा नहीं गोली चलाने का, कुछ भी करने का। मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बेवकूफ इंसानों, मरोगे सबके सब, कोई नहीं बचेगा। मैं शक्ति सबसे शक्तिशाली हूँ इस ब्रह्मांड में, सबसे ज़्यादा। कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। अब उस लिटिल सिंघम की बारी है, उसको भी चींटी के जैसे मसल दूंगा। आ रहा हूँ मैं लिटिल सिंघम तुझसे मेरे बाप का भाई का बदला लेने। अरे गाइस,
तुम्हारे धरती में ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसान मर रहे हैं, देखो छटपटा रहे हैं गाइस, यहाँ पे अच्छे से कोई भी सांस भी नहीं ले पा रहा है, और देखो कैसे छटपटा रहे बेचारे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस, क्या हो रहा है हमारे धरती के साथ, पूरा संतुलन बिगड़ चुका है हमारे धरती का, और वातावरण तो देखो गाइस पूरा बिगड़ चुका है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, छटपटा के गर्मी की वजह से मर रहा है गाइस। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं सही से सांस भी ले पा रहा हूँ और ना ही मुझे गर्मी लग रही है, और सारे इंसानों को देख सकते हो गाइस कितने बेचारे लाचार हो गए। किसी ने तो कुछ किया होगा गाइस हमारे धरती के साथ, किसी ने खेला होगा। आज मैं पता लगा के रहूंगा गाइस आखिर हो क्या रहा है हमारे धरती में। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा गाइस, लाश से बिछी हुई है और इंसान तड़प रहे गाइस, मुझसे देखा नहीं जा रहा, सब कुछ मुझे सही करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बाप रे, यहाँ पर भी देखो गाइस, अरे एक कौन मरा पड़ा है, अरे भाई, अरे यार, अरे मर जाऊंगा, सांस नहीं ले पा रहा, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, बचाओ बचाओ। अरे यार ये तो चिंटू का पापा है भाई, ये हमारे पड़ोसी है गाइस, इनकी भी डेथ हो गई है, मर गया ये भी। अरे भाई ये सिंचान कहाँ पे, कीको सिबा सब लोग कहाँ पे, अरे हम लोग ऊपर है, ऊपर देखो लेडी सिंह भैया, ऊपर देखो हम लोग ऊपर है, पता नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा, बाकी इंसानों को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार बड़ी सोचने वाली बात है गाइस, हमारे फैमिली में किसी को भी कुछ भी नहीं हो रहा है गाइस, हम लोग सही है, चलो अच्छी बात है, बट बाकी इंसानों का क्या गाइस, इनको जल्दी से सही करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बेवकूफ इंसानो, अब ऐसे ही धीरे धीरे तड़प कर मरोगे, खौफ खाओ, डरो मुझसे, ये देखो सबको मार डालूंगा, ये बहुत मजा आ रहा है, एक एक इंसान तड़प तड़प कर मर रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, आखिर मैं बदला ले रहा हूँ, अब कहा गया लिटिल सिंगम, आ गया हूँ मैं, कहा हो, ये देखो ये रहा लिटिल सिंगम, कमबख्त लिटिल सिंगम। अरे ये तो मॉन्स्टर हल्क है, यहाँ पे क्या कर रहे हो मॉन्स्टर हल्क? मैं तुझे तबाह बर्बाद करने के लिए आया हूँ, तेरे ऊपर अटैक करूंगा, एक एक इंसानों को अटैक करके मार रहा हूँ, ये पृथ्वी का पूरा संतुलन मैंने बिगाड़ा है, पूरा वातावरण खराब मैंने किया है, इस पृथ्वी में अब मेरा राज होगा लिटिल सिंगम, और तू बचेगा नहीं, ये देख एक एक इंसान को कैसे मैं मारता हूँ तड़प तड़प पाकर। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, सांस नहीं ले पा रहा, छोड़ो। पित्ते से इंसान मर जा, सबके सब, कोई नहीं बचेगा, सारे इंसान मर जाएंगे धीरे धीरे। अरे तुम चले जाओ यहाँ से मॉन्स्टर हल्क, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, जो भी किया तुमने बहुत बुरा किया हम इंसानों के साथ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम बचने वाले नहीं हो, अगली बार तुम्हारे बाप को और भाई को मैंने जिंदा गाड़ दिया था, मार दिया था, अब तुम्हारी बारी है, अभी भी टाइम है, यहाँ से 9:00-11:00 हो जाओ, फूट लो यहाँ से, ठीक है ना, और जो भी तुमने बिगाड़ा है सब कुछ सही करो। बेवकूफ लिटिल सिंगम, कीको सिबा सिंचैन, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान नहीं, मॉन्स्टर हल्क हूँ मैं। अरे छोड़ो मुझे, गले में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, तुम बचोगे नहीं, कहाँ जा रहा है ये मॉन्स्टर हल्क, छोड़ दो मेरे लिटिल सिंगम भैया को, छोड़ो छोड़ो। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब लोग मरेंगे धीरे धीरे तड़प तड़प के, तुम चलो मेरे साथ लिटिल सिंगम, तुम्हें मैं इतना आसानी से मौत नहीं दूंगा, तुमको मेरे अड्डे में लेकर जाऊंगा और वहाँ पे कैद करके मेरा गुलाम बना कर रखूंगा। इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा, फिर देखना अपनी आंखों से सारे के सारे इंसान कैसे तड़प तड़प कर मरते हैं, वो लोग मरेंगे और तुम्हें तकलीफ होगी, तुम हर दिन मरोगे, जिंदा तो रहोगे, तकलीफ से दर्द में मरे पड़े रहोगे, इंसानों को देखकर ये तुम्हारा धरती पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, और इस धरती में मैं अपना मॉन्स्टर हल्क का ग्रुप बनाऊंगा। अरे छोड़ो मुझे, अरे मेरे भांजे, बहुत अच्छा किया, अब इसको पटक कर यहाँ पे छोड़ दो और इसको पूरे पिंजरे में कैद कर दो। इसको तो मैं पूरा अपना गुलाम बना कर रखूँगा, पूरा मैंने पिंजरे में इसको कैद कर दिया है, अब ये कहीं भाग नहीं सकता, अगर भागेगा भी तो उसको पकड़ के फिर से पटक कर इस जेल के अंदर डाल दूँगा।
अरे वाह मेरे भांजे, क्या बात है क्या बात है, तुमने तो कतई मेरा नाम रोशन कर दिया। बहुत मजा आ रहा है, देखो मैं सिक्स पैक ऐप बना रहा हूँ, तुम्हारा बहुत सारा यहाँ पे ग्रुप बनाना है, बहुत बड़ा टीम बनाना है, तुमको इस धरती का राजा बनाऊंगा, तुम्हारा इस धरती में कब्जा होगा मेरे भांजे। कोई इंसान नहीं बचेगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये लिटिल सिंघम तो बेहोश पड़ा है, अब क्यों नहीं उठ रहा है, रक्षा कर अपनी पृथ्वी का। अरे अब क्या होगा, कोई तो मदद करो, लाल बाबा आप ही कुछ बताओ, अब हम लोग क्या करें। अरे मेरे बच्चे शिवा और किको सिंचान, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर मेरे पास जो शक्ति है वो तुमको मैं दे सकता हूँ। वो मॉन्स्टर हल्क ने अपना अड्डा बना लिया माउंट चिलियाड के ऊपर, वहाँ पे लिटिल सिंघम को लेकर गया है, मैं तुमको कुछ शक्तियाँ देता हूँ, उस शक्तियों से तुम उससे लड़ पाओगे और अपनी धरती को सही कर पाओगे पहले जैसा, नहीं तो ऐसे सारे इंसान धीरे धीरे मर जाएंगे शिवा, अब कुछ करना पड़ेगा तुमको ही। अरे हाँ जल्दी से कुछ करो आप, जल्दी से मुझे शक्तियाँ दो, मैं लड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मेरी धरती को मैं सही करके रहूंगा। हाँ मेरे बच्चे अभी दे रहा हूँ तुमको शक्तियाँ, उस मॉन्स्टर हल को तुम छोड़ना मत, उसको मार कर तबाह कर देना और उसको हमारे पृथ्वी से भगा देना, फिर जाकर ही हमारा पृथ्वी सही होएगा। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक हमारा पृथ्वी का वातावरण सही नहीं होगा, क्योंकि उसने घोर तपस्या करके बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर ली और उससे ये पूरा पृथ्वी का वातावरण खराब कर दिया। मेरे बच्चे अब मैं तुमको शक्ति दे रहा हूँ, ठीक है ना, जल्दी से दो ना लाल बाबा जी, आपके भरोसे ही है हम लोग, नहीं तो सारे इंसान मर जाएंगे, लिटिल सिंघम भैया को भी बचाने आ रही है, क्या हो रहा है शिवा भैया को। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो बहुत सारा धुआं निकल रहा है। अरे मेरे बच्चे तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर मैंने जादुई शक्तियाँ डाल दी है, इसलिए तुम्हारे अंदर जादू शक्तियाँ समा रही है, इसलिए तुम्हारे अंदर से धुआं निकल रही है। मेरे बच्चे अब तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे, उड़ भी पाओगे और उन मॉन्स्टर हल्क से लड़ाई कर पाओगे। मैंने बहुत ज़्यादा तपस्या करके ये शक्तियाँ अपने अंदर समाई थी, मैंने ये शक्तियाँ अपना फल में पाया था, अब मैं तुमको ये सारा का सारा शक्तियाँ दे रहा हूँ, इससे तुम अच्छा ही करना कुछ, ठीक है। हाँ गुरुजी मैं तो अच्छा ही करूंगा, उन सारे मॉन्स्टर हल्क का छक्के छुड़ाऊंगा और मेरे लिटिल सिंघम को भी लेकर आऊंगा, सारे इंसान को बचाऊंगा और पृथ्वी का वातावरण भी सही करूंगा, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, संभल के जाना सिबा। अरे हाँ सही है, अरे बाप रे गाइस, माउंट चिलियाड में वो मॉन्स्टर हल्क ने अपना अड्डा बनाया है, मुझे वहाँ पे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी गाइस, वो लोग पता नहीं लिटिल सिंघम के साथ क्या कर रहे होंगे। अगर गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो, ताकि मैं जल्दी से माउंट चिलियाड में पहुँच पाऊँ और मेरे दोस्त लिटिल सिंघम को बचा पाऊँ और हमारी इस धरती का वातावरण फिर से पहले जैसा कर पाऊँ। अगर पहले जैसा नहीं होगा गाइस तो सभी लोग मर जाएंगे और मैं भी मर, प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और ये देखो गाइस ये रहा माउंट चिलियाड, मुझे धीरे से यहाँ पे उतरना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे के सारे मॉन्स्टर हल्क अगर मुझे देख लिए तो बहुत बुरा होगा गाइस मेरे साथ, ओके। यहाँ से ही मुझे एकदम धीरे से जाना पड़ेगा गाइस और देखना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है ऊपर। अरे ऊपर के साइड है वो लगता है, अरे बाप रे गाइस देखता हूँ कहाँ पे है लिटिल सिंघम। अरे ये देखो गाइस लिटिल सिंघम को पिंजरे में बंद करके रखा है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मॉन्स्टर हल्क, तुम बचोगे नहीं, एक बार मुझे यहाँ से आजाद करो, तुम्हारा मुंडी फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। अरे ये देखो गाइस यहाँ पे लिटिल सिंघम को कैद करके रखा है इस पिंजरे के अंदर, जेल के अंदर। छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा, मुंह बंद रख अपना, नहीं तो अभी के अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तेरे पे सारे के सारे हम मॉन्स्टर हल्क अटैक कर देंगे, दिख नहीं रहा है कितना सारा मॉन्स्टर हल्क मैंने अपनी शक्तियों से बना लिया है। अरे गाइस ये क्या हो रहा है, ये मॉन्स्टर हल्क ने तो बहुत सारे अपने जैसे मॉन्स्टर हल्क बना लिए हैं गाइस, पता नहीं इनसे लड़ भी पाऊंगा या नहीं, लाल बाबा का शक्तियाँ काम करेगा भी या नहीं गाइस पता नहीं, पर मैं पूरा कोशिश करूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अरे मॉन्स्टर हल्क अब तुम सबके सब मरोगे मेरे हाथ से, कोई भी नहीं बचोगे, ठीक है ना, सबको मार डालूंगा। कौन बोल रहा है, अरे पीछे देखो ये रहा, मारो इसको, इसको खत्म कर दो। अरे बाप रे इसके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई, इस पित्ती से शिवा के अंदर, मारो अटैक करो सबके साथ इस शिवा को और उस लिटिल सिंघम को। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, बहुत सारा
पीटो इसको पीटो। अरे बाप रे, इसने तो जला दिया। अरे तू बचेगा नहीं, रुक तुझे मार डालूंगा। अरे एलो एलो, सबको जला दूंगा। हाँ मर गए, मर गया मर गया मर गया मर गया। अरे सबको मार डालूंगा। अरे तू बचेगा नहीं शिवा। अरे तू बचेगा नहीं ये ले ये ले मुच्छड़ हल्क, तू भी मरेगा। गाइस देखो सबको मार डालूंगा मैं। अरे आ रहा हूँ मैं, रुक शिवा, अब तू बचेगा नहीं। मुझे एक बार आने दे, तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे तू बचेगा नहीं, रुक तुझे एक मुक्का मारूंगा। ए ले अब कैसा लग रहा है? देखो गाइस अब मैंने सारे मॉन्स्टर हल्क को मार डाला है, सबके छक्के छुड़ा डाले हैं। देखो एक भी मॉन्स्टर हल्क बचा नहीं है गाइस, मजा आ गया। सबको मैंने फोड़ दिया, तोड़ दिया, सबको मार डालूंगा। मेरे पृथ्वी में धरती के ऊपर किसी ने भी बुरी नजर डाली तो। अरे लेडी सिंघम तुम ठीक हो ना? अरे हाँ शिवा मैं ठीक हूँ। ये सारी शक्तियाँ तुमको लाल बाबा ने दिया है ना? अरे हाँ लाल बाबा ने दिया था। अरे यार तुमने तो सबको मार डाला, सबकी बैंड बजा डाली, मस्त मजा आ गया। शिवा सबको तुमने तो धूल चटा दिया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे दोस्त को कोई भी हाथ लगाएगा तो या मेरे पृथ्वी पे किसी भी बुरा नजर डालेगा तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको जलाकर राख कर दूंगा। हाँ अरे यार शिवा तुमने तो कमाल कर दिया। गाइस देखो शिवा ने हमें बचा लिया, हमारे धरती को अब जल्दी से ये वातावरण भी सही हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे मॉन्स्टर हल्क मर गए हैं। तो अब बस हमारा वातावरण सही होने ही वाला है इस पृथ्वी का, धरती का। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस अपने कोमल कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अरे कब हो गया ये सही? अभी तक वातावरण सही नहीं हो रहा है। अरे वो मरा भी है या नहीं? अरे हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। आ जाओ जल्दी से यहाँ से, गेट तो खोलो फटाक से। अरे हाँ खोलता हूँ लेडी सिंघम, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे यार क्या ही मुझे पटका था, यहाँ पे उस मॉन्स्टर हल्क ने बहुत ही बुरी तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर दिया था उस मॉन्स्टर हल्क ने, और यहाँ पे मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया था। अब इसको खोलो, तुम ही खोलो, तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी शक्तियाँ आ गई है शिवा। अरे हाँ खोलता हूँ, ये देखो अभी खोल दूंगा, ये तो चुटकी की बात है, ये देखो खोल दिया मैंने। अरे वाह शिवा तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, मजा आ गया। चलो अब घर जाते हैं, अब ये वातावरण भी सही हो ही जाएगा। अरे हाँ ये देखो वातावरण सही हो गया लिटिल सिंघम। अरे यार वातावरण भी पहले जैसा हो गया हमारा पृथ्वी। भाई कितने सारे लोग इसके वजह से मरे हैं यार। अरे लेडी सिंघम जल्दी से घर चलो, किको और सिंचान हमारा वेट कर रहा है। और तुमको बताएं शक्तियां मेरे अंदर से छीन चुकी है, लगता है लाल बाबा ने पूरी शक्तियां मेरे अंदर से ले लिया है। अरे कोई बात नहीं शिवा, हम फिर कुछ ना कुछ करके शक्तियाँ ले लेंगे। हमें भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा, पावरफुल बनना पड़ेगा, तभी हम इस धरती का रक्षा कर पाएंगे। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा शिवा, चलो फटाफट से घर अभी तो।